डी पार्ट तो कंफर्टेबल लग रहा है? नहीं लग रहा है प्रतीक, ई लग रहा है। देखो इसको समझ लो, इसमें आपका एरर इस तरीके से होगा, देयर इज नो प्लेस इन दिस क्लास। जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से एरर आए तो आप एक चीज समझ लेना, यहां पे आपका प्लेस यूज नहीं होगा। यहां पे हम क्या यूज करते हैं? स्पेस। स्पेस भी यूज नहीं करते हम रूम पे। यहां पे हम यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज रूम यूज करते हैं। यहां पे आपका जो यूज होने वाला है दैट इज रूम। सो देयर इज नो रूम इन दिस क्लास, देयर इज नो रूम इन दिस क्लास। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई ऐसी जगह के बारे में बात हो जहां पे आपको स्पेस ऑक्यूपाई करना है, अगर हम क्लास के अंदर आ रहे हैं, क्लास इज फुली पैक्ड, सो इन दैट केस यू कैन से लाइक दिस, देयर इज नो रूम इन दिस क्लास। ठीक है, अगर बस में चढ़ते हो, बस पूरी भरी हुई है, तो वहां पे भी आप क्या बोलोगे? देयर इज नो रूम फॉर अस, देयर इज नो रूम फॉर अस। और कई बार होता है ना शादी में कहीं जा रहे होते, सब पूरे के पूरे गाड़ी में पैक होते, आप बोलते नहीं मुझे भी बिठा लो, और गाड़ी का दरवाजा खोलते तो ऐसा भी होता है कि भाई एक बाहर आ गया है ना। तो वैसे वाले केस में भी आप क्या बोलोगे? देयर इज नो रूम फॉर अस, वी ऑलवेज से देयर इज नो रूम फॉर अस। ये यहाँ पे आपका कभी स्पेस यूज नहीं होगा, स्पेस यूज नहीं होगा, हम क्या यूज करेंगे? रूम को ही यूज करने वाले हैं। इसके पीछे कोई ग्रामेटिकल कोई वो नहीं है, रूल नहीं बना हुआ यहाँ पे, बस एक फ्रेज जो आता है इस तरीके से यूज करते हैं, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सी हाउ मच स्टार्स आर अलाइन्ड फॉर मी। चलो जल्दी से, अच्छा एक कोई बता दो कि व्हाट डज इट मीन, लेट्स सी हाउ मच स्टार्स आर अलाइन्ड फॉर मी। मैनी का यूज होगा, तो मैनी जब भी होगा तो मैनी के बाद हमारे कौन से नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा। और अगर हमारे पास मच होगा तो मच के बाद हम क्या यूज करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मैनी बुक्स, मैनी चेयर्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टेबल्स, बट मच मेन, मच oil, much knowledge, much money. तो ये जितने भी uncountable चीजें हैं सारी की सारी much के साथ आएंगी, और जो countable चीजें होंगी वो many के साथ आएंगी। clear? इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, अच्छा here वाले केस में हम क्या करेंगे? here के साथ क्या आएगा? much आएगा या many आएगा? जल्दी से बताओ। here के साथ much आएगा या many आएगा? अच्छा can we make here's, क्या हम हेयर्स बोल सकते हैं? क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते हेयर्स? खुद में ग्रुप को बता रहा है। अच्छा अगर ग्रुप को बता रहा है तो कैसे आप बोल सकते हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक बात समझो ना, देयर इज अ डिफरेंस। एक को बोलते हैं हमारे पास क्या होता है? काउंटेबल होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल, एंड थर्ड वन इज काउंटलेस। ये भी तो होते हैं, इतना तो आपने मान लो, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, एक काउंटलेस होता है। क्या होते हैं? काउंटलेस होते हैं। अब काउंटलेस भी आपके कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब काउंटलेस कौन से होंगे? जो हेयर है, हेयर को काउंट तो कर सकते हो। अगर मैं थोड़े से यहाँ पे अलग कर दूं हेयर को, तो तब तो आप काउंट कर सकते हो। अच्छा अगर आपको किसी के सर में चार बाल दिख रहे हैं वाइट, तब तो काउंट कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी पैरेलल चल रही है कि हम फाइव हेयर्स बोल सकते हैं, फाइव हेयर्स भी बोल सकते हैं, बट वहां पे जो अपना केस होगा आप क्या बता रहे हो कि ग्रे हेयर्स है, इसकी मतलब कैसे हेयर है? सफेद बाल है। क्लियर, वो बात समझ में। बट इन केस अगर हम जनरल यूज में अगर हेयर को यूज कर रहे हैं तो वो आपका कैसे यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन में यूज, अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगा, इसीलिए हम वहां पे हेयर यूज नहीं करते। तो एक अंडरस्टैंडिंग को भी साथ में रखो, ऐसा नहीं कि सीधा आपने रूल पढ़ा दो, रूल के अकॉर्डिंग ही हर जगह चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम हेयर्स को इस तरीके से यूजेज कर रहे हैं। जैसे मनी है तो मनी को हम किसमें यूज करते हैं? मनी को मनी, अरे जल्दी बताओ, मनी अनकाउंटेबल नाउन में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन होंगे मच यूज होगा और काउंटेबल नाउन होगा तो मैं यूज होगा। पर काउंटलेस चीज होगा आप थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीख लो, क्योंकि देखो ना अगर मैं आपको हेयर जनरली देखो, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि वो होता है ना क्या बताया था जब वो छिंदी पकड़ते हैं करवा चौथ वाले दिन में अगर क्या उसको छन्नी को पकड़ते आप तारों को देखोगे तो तारों को काउंट कर सकते हो। अगर छन्नी से आप तारों को देख रहे हो तो तारों को काउंट कर सकते हो, कर सकते हो ना, ठीक है। अगर वहीं पे दूर खड़ा हुआ हर्ष वहां से बिल्क गिरा रहा है, दूध गिरा रहा है, तो छन्नी में देख के काउंट कर दोगे कि एक दूध गिरा है, दो गिरा है, थ्री गिरा है, फोर गिरा है, फाइव गिरा है, काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते। या फिर ऐसा आप काउंट कर सकते हो कि वहां से आपने हर्ष को देखा और हर्ष के बाल को काउंट कर दिया, देखो कितने बाल है, कोई कर सकता है ऐसे कि हर्ष के कम से कम भी तो होंगे 10,000 बाल होंगे या 20,000 बाल होंगे, कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई भी काउंट नहीं कर सकता। तो वही एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपका काउंटेबल चीज है तो एक चीज होगी कि आपकी फिंगर्स में काउंट हो जाएगी, और अनकाउंटेबल चीज है आपकी कभी फिंगर्स में काउंट नहीं होगी, जैसे मेरे काउंट नहीं होगा। अब हेयर है, हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते, बट अगर आप वहां पे मेरे को हर्ष के चार बाल सफेद दिख रहे हैं तो वो चीज काउंट हो जाएगी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये चीजों को समझ लेना आपके कि काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे और काउंटलेस होंगे।